तो गाइज आज हम बात करेंगे किसी मूवी या कहें सुपर हीरो मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, और वो है डिटेल्स। डिटेल्स वो चीज है जो कि किसी भी आर्ट फॉर्म को और जबरदस्त बनाती है, और हम फैंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और वर्ल्ड्स ऑफ डीसी के फैंस भी इन डिटेल्स की वजह से ही हैं। एमसीयू और डीसीयू दोनों ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, और राइटर्स जब इन यूनिवर्स में किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो वो उनमें ऐसी डिटेल्स ऐड करते हैं जो कि हमें बताए कि हाँ, ये मूवीज इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। तो आइए देखते हैं कि क्या अपन इन सारी मूवीज के ऑसम डिटेल्स को नोटिस कर पाए। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा, और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीयू और डीसीयू में दिखने वाले कई ऑसम डिटेल्स के बारे में जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सीधे सीधे बात करते हैं डिटेल्स की। एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रैवलिंग सीक्वेंस में जब अलेक्जेंडर पियर्स थॉर और टोनी से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो थॉर कहता है कि पहले वो लोग लंच के लिए जाएंगे फिर एसगार्ड जाएंगे। तो यहाँ थॉर लंच वाली बात कर रहा है पहली एवेंजर्स मूवी के शर्मा वाले सीन के लिए। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में जब सुपरमैन अपनी माँ मार्था का नाम लेता है तो बैटमैन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि सुपरमैन और उसकी माँ का नाम सेम है, बल्कि वो इसलिए रुकता है क्योंकि वो समझ जाता है कि आज अगर वो सुपरमैन को मारता है तो वो सुपरमैन के साथ भी वही करेगा जो उसके माता पिता के साथ हुआ। ये वो पॉइंट है जहाँ बैटमैन की इंसानियत जाग जाती है, वो भी उस बींग की वजह से जो कि इंसान है भी नहीं। एवेंजर्स एंड गेम में जब थॉर रियलिटी स्टोन के बारे में बताना शुरू कर रहा होता है तो वो इससे पहले अपनी सिर्फ एक ही आंख में आई ड्रॉप डालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी दूसरी आंख मैकेनिकल है। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जोरेल और कालेल यानी कि सुपरमैन की डेथ एक ही तरीके से होती है। जोरेल जॉर्ड के राइट हैंड के ब्लेड से मारे जाते हैं, और सुपरमैन भी जॉर्ड जो कि डूम्सडे बन चुका था उसके राइट हैंड के ब्लेड जैसे बोन से मारा जाता है। ये दोनों सीन बेशक पैरेलल दिख रहे हों, पर इस मूवी के स्क्रीन राइटर यहाँ दिखाना चाहते थे कि चाहे कोई भी बींग हो उसे हीरो बनने के लिए एक बहुत तगड़ा सेक्रीफाइस देना होता है। एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में थैनोस के स्नैप के तुरंत बाद पक्षियों के चहचहाने की आवाज कम हो जाती है, और ये आवाज बढ़ जाती है हल्क के स्नैप के बाद, ये बताते हुए कि आधे लिविंग बींग्स वापस आ गए हैं। जैक स्नाइडर एक विजुअल फोकस डायरेक्टर हैं, और ये हम देख सकते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के उन शॉट्स में जहां लेक्स लूथर छत से गॉथम सिटी की तरफ देख रहा है। ये शॉट रिक्रिएशन है नेपोलियन बोनापार्ट पेंटिंग का, प्लस सुपरमैन की बॉडी को नीचे ऐसे उतारना जैसे डेसेंट फ्रॉम द क्रॉस पेंटिंग में क्राइस्ट को उतारा गया था। इन सब के साथ साथ लेक्स लूथर का मंकी डेटोनेटर शर्ट जो कि बताता है कि लेक्स खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये बताया गया कि गमोरा अपने लोगों यानी जेहोवारी लोगों में आखिरी बची है। ये बात साफ साफ बताती है कि थैनोस के उसके प्लैनेट के लोगों को आधा करने के बाद वहाँ कोई भी नहीं बचा, जिसका मतलब थैनोस के यूनिवर्स को बैलेंस करने वाले प्लान के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं थे। बैक केव में बैटमैन ने वो गन संभाल के रखी हुई थी जिससे उसके माता पिता मारे गए। ये गन रिमाइंडर है बैटमैन के लिए कि वो किस लिए लड़ रहा है। हालांकि ये बहुत ऑकवर्ड होगा अगर कोई बैट केव में उससे उसके गन के बारे में पूछ ले तो। जब भी थैनोस इन्फिनिटी गाउंटेट यूज कर रहा था तब वो स्टोन लाइट अप होता जिसको वो यूज कर रहा था। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पर हो रही फाइट में थैनोस को बांध लेते हैं तब थैनोस सोल स्टोन को यूज करता है असली डॉक्टर स्ट्रेंज के प्रोजेक्शन को पकड़ने के लिए, और पावर स्टोन को यूज करता है इल्यूजन को तोड़ने के लिए। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में जब लेक्स छत पर कहता है कि भगवान ने मुझे मेरे पापा के मुक्को और बर्बादी से नहीं बचाया, तो वो वहाँ अपने बचपन के अब्यूज की बात कर रहा होता है। हालांकि जब वो डूम्सडे को जिंदा करता है तो उसको डूम्सडे के पंच से सुपरमैन बचाता है। तो आप देख सकते हैं इस मोमेंट की आयरनी। जेम्स गन जाने जाते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के लिए, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के दोनों पार्ट जाने जाते हैं जबरदस्त पुराने इंग्लिश गानों के लिए जिन्हें मूवी में बताया गया कि ये गाने पीटर को उसकी माँ ने दिए थे। तो अगर आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के गाने सुने तो उन लिरिक्स में बताया गया है कि उन्हें प्यार करने वाले वापस नहीं आएंगे, जैसा कि पीटर क्विल की माँ के साथ हुआ था। तो मैंने तो आपके साथ गिने चुने पर ऑसम डिटेल्स शेयर करे हैं, पर आप भी जानते हैं कि अभी कई सारी और डिटेल्स बाकी हैं। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हम सुपर हीरो मूवीज के फैन क्यों हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है डिटेल्स। लिटरली हमें मानना पड़ेगा इन मूवीज को लिखने वाले राइटर्स, इन मूवीज को इंस्पायर करने वाले कॉमिक बुक्स और उन डायरेक्टर्स को जो कि सिर्फ और सिर्फ हम फैंस के लिए वो छोटे से छोटे डिटेल्स ऐड करते हैं जिनसे हमारा मूवी एक्सपीरियंस जबरदस्त होता है। सही मायने में सुपर हीरोज के फैन नहीं, बल्कि हम फैंस हैं लेजेंडरी कॉमिक बुक क्रिएटर्स के, अपनी मूवीज को अपना सब कुछ मानने वाले डायरेक्टर्स के, हम फैंस हैं उन राइटर्स के जो कि हर डिटेल को अपने दिमाग में रख के इन स्टोरीज को लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ हम फैंस के लिए, कि कोई नोटिस करे ना करे फैंस जरूर नोटिस करेंगे।
तो गाइस ये थी एक और वीडियो ये बताते हुए कि हम सुपर हीरो मूवीज के फैन क्यों हैं। इस टॉपिक का एक और वर्जन मैं पहले ही बना चुका हूँ तो उसे देखना ना भूलें। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मेरे साथ अपनी पता करी हुई सुपर हीरो मूवीज की डिटेल्स जरूर शेयर करें। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और असम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो अपन हर जगह है पर फिलहाल घर पर है। तो गाइस सुपर हीरो मूवीज लिमिटेड हैं और उनमें होने वाली चीज़ें भी लिमिटेड हैं, पर अनलिमिटेड सुपर हीरो फन के लिए मेरा दूसरा चैनल सुपर सुपर कॉमिक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज मंसना एंड यू आर सुपर सुपर पीस।